और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, जहां दो दिवसीय आईएएस वीक का शुभारंभ हुआ है। आर्ट सेशन के माध्यम से प्रदेश के विकास पर मंथन हुआ है। शासन स्तर पर आने वाली चुनौतियों को लेकर इस सेशन में चर्चा हुई। तो हर सेशन के बाद सभी जिला अधिकारियों से वार्ता, समापन कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने अफसरों को संबोधित किया, योजनाओं को धरातल पर उतारना डीएम और सीडीओ की जिम्मेदारी, तो ग्राउंड लेवल पर योजनाओं को बेहतर ढंग से किया जाए क्रियान्वित। देहरादून में दो दिन की आईएएस वीक की शुरुआत की गई, जिसमें आठ सेशन के माध्यम से प्रदेश के विकास पर मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आईएएस अफसरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आईएएस और सीडीओ की है। और अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर आईएएस वीक की शुरुआत को लेकर। आठ सेशन के माध्यम से प्रदेश के विकास पर इस सेशन में मंथन होगा। शासन स्तर पर आने वाली चुनौतियों को लेकर भी इस वीक में चर्चा की जाएगी। तो हर सेशन के बाद सभी जिला अधिकारियों से बातचीत भी होगी, तो साथ ही समापन कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने अफसरों को इस वीक का संबोधित किया, योजनाओं को धरातल पर उतारना डीएम और सीडीओ की जिम्मेदारी, तो ग्राउंड पर योजनाओं को बेहतर ढंग से किया जाए क्रियान्वित। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, दो दिवसीय आईएएस वीक का शुभारंभ, इस वीक को लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, क्या कुछ मंथन यहां पर पहले दिन? बिल्कुल, जो आईएएस वीक का शुभारंभ हुआ है सुबह 10 बजे से लेकर और अब से कुछ ही देर पहले यानी कि 5:30 बजे तक आईएएस वीक में तमाम तरह की बातें हुई है। खुद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जब शुभारंभ किया, अपना संबोधन किया, तो उन्होंने काफी पहलुओं को छूने की कोशिश की है। उनकी तरफ से साफ तौर पर तमाम आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, एक योजनाओं का खाका उनके सामने रखा गया कि उत्तराखंड 20वें साल में प्रवेश कर चुका है, राज्य स्थापना के 20वें वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है कि सरकार के जो भी तमाम कार्य हैं वो बेहतर ढंग से क्रियान्वित किए जाए, बेहतर ढंग से वो जमीनी हकीकत में और तमाम जो जनता है उनको सारी वो सुख सुविधाएं मिल सके जिनका सरकार ने उनके साथ वादा किया है। इसके अलावा मिशन मोड में काम करने की उन्होंने बात कही है कि अगर हमको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को सुधारना है तो हमें और मिशन मोड में काम करना होगा। अभी हम 10वें स्थान पर आते हैं, तो ऐसे में और उसको ऊपर लाया जा सके इसके लिए बेहतर तरीके से काम करना होगा। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है, तो पर्यटकों को कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के प्रति हम आकर्षित कर सके इसको लेकर नए पर्यटक स्थलों को चिन्हित करना होगा, साथ ही उनकी स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा सरकार की प्राथमिकता है कि कूड़ा निस्तारण कैसे किया जाए और आधुनिक तरीके से शौचालयों का निर्माण कैसे किया जा सके, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पहले दिन के मुख्य सचिव के संबोधन में साफ तौर पर नजर आई है, जिसमें तमाम सेक्टरों को छूने की कोशिश की गई है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को छूने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो फोकस था तमाम अधिकारियों का, जो विभागीय सचिव हैं उन्होंने जब अपने विभागों का खाका प्रस्तुत किया तो उन्होंने भी तमाम अपनी योजनाएं गिनाई हैं और उनकी रैंकिंग किस तरह की है उसके साथ उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको साझा करने का काम किया है। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।